हाईकोर्ट के सख्त निर्देश पर झारखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का उद्देश्य सरकारी भूमि के साथ सड़कों पर बने अवैध निर्माण को हटाना था, जिसके चपेट में लाखों फुटपाथी दुकानदार आकर उनके परिवार की रोजी रोटी छिन गई और वे बेरोजगार हो गए। आपका क्या समस्या है? ये हमारी समस्या है कि मैं एक फुटकर दुकानदार हूँ, मेरा गांधी चौक में दुकान थी जो कि अभी हट गई है अतिक्रमण के कारण। अभी इससे हमारी समस्या ये है कि हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को मीटिंग के दौरान यहाँ पे बुलाया गया था नगर पालिका में, वहाँ पे अध्यक्ष वगैरह सभी लोग मौजूद थे। वहाँ पे हम लोगों की समस्या पूछा गया कि आप लोग यहाँ से दुकान हटा दीजिए, नोटिस दिया गया। तो हम लोगों ने उनसे समय मांगा कि हम लोग थोड़े दिन का समय दिया जाए, तब हम लोग दुकान हटा लेंगे, कुछ अपना व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन उन लोगों ने समय नहीं दिया, हम लोगों का दुकान हटाने में बाध्य किया। इस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई जो लोग नहीं हटाए उस पर। आप कितने सालों से यहाँ दुकान चला रहे थे? लगभग 10 साल। अभी आप क्या करने वाले आगे? अब तो आपका जैसे दुकान टूट गया, अब हम क्या करेंगे? हम तो ही सरकार से जब कानून लगाया तो सरकार कहीं हमारा व्यवस्था जगह नहीं दे रहे, तो चाह रहे कि कहीं भी हमको जगह दे। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि सरकार शहर के विकास के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, पर साथ ही साथ यह देखकर दुख भी होता है कि समाज के छोटे छोटे वर्ग के लोग जो अपने पेट भरने के लिए सड़क किनारे दुकान लगाकर बैठे होते हैं, उन्हें इस तरह के विकास से उनके रोजी रोटी पर असर पड़ता है। बेरोजगारी बढ़ गई, सरकार इसके बारे में सोचती नहीं है और कभी सोची भी नहीं है। सरकार ऐसा करने से पहले गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? यहाँ नहीं है, देश के हर कोने में ऐसा हो रहा है। ऐसा होने का कारण है कि हाईकोर्ट का जो भी आदेश था उस आदेश का पालन किया गया, लेकिन सरकार उस आदेश के पालन करने के बाद भी उस चीज़ को सोच सकता है ना कि भाई गरीब कहाँ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, वो लोग क्या खाएंगे, उनके बाल बच्चे क्या खाएंगे। इतनी तबाही और बर्बादी जो हुई है इसके बारे में सरकार कुछ सोचना चाहिए, सरकार को भी कुछ करना चाहिए। सरकार को भी जो हाईकोर्ट के आदेश पर जो अतिक्रमण जो हटाया गया है उसके अंदर में सरकार के पास ऐसी क्यों योजना तैयार नहीं की जाती जो कि उनको बसाया जाए पुनः? जिस प्रकार हाईकोर्ट के आदेश पे इतनी तबाही मचाई गई, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और यहाँ तक सांसदों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नोटिस किया कि आप जो विदेश में ब्लैक मनी है उसे मंगाया जाए और भारत के विकास में लगाया जाए, लेकिन इन लोगों ने जरा भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं कहना चाहूँ, क्या कानून मतलब सभी के लिए सामान्य है ना, औरों के लिए अलग अलग है? भारत में तो ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब बोला जाता है कि कहने का है कि कानून एक है लेकिन सबके लिए कानून अलग अलग है। मैं चाहता हूँ सरकार शहर का विकास तो करे पर इनके तरफ भी ध्यान दे। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडिया नॉर्थ के लिए।